परम प्रेम वैसी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम अर्धांगिनी प्रणाम तुबे नारायणी। परम पूज्यपाद पीतिदेव शिशि वरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देवता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित पंजाधारी दादा, भक्तिमती माताएं, छोटे छोटे बच्चों को मेरा यथा योग्य स्थान पर भक्ति भरा प्रेम भरा जय। आज बहुत दिनों के बाद ये मंच पे बोलने का अवसर मिला। वैसे मधु माँ तो अक्सर ही मुझे फ़ोन करती रहती हैं, लेकिन शायद मेरे ही नसीब में ठाकुर जी की बातें करना उस समय लिखा नहीं था। और इसके पहले भी उन्होंने फ़ोन किया था, उस समय भी मैं देवघर में थी। देवघर में एक समस्या होती है कि वहाँ पर थोड़ा जियो का नेटवर्क वीक रहता है, तो पूरा एकदम मन धारा प्रवाह में वहाँ रुकावट आने लगती है, तो इसीलिए वहाँ से मैं नहीं बोल पाई। फिर मैं अपने वापस कर्मक्षेत्र पे कानपुर आ गई हूँ, और मैं मुझे यहाँ से मधुमा ने फिर से एक अवसर दिया, और इस अवसर को मैं चूकना नहीं चाहती थी। तो मैं आप लोगों के समक्ष ठाकुर जी की कुछ बातें, ठाकुर जी की बातें कहते ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सात समुद्र सो मसी करे, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करे, गुरु गुण दिखाना चाहे। अगर पूरे धरती को हम कागज बना दे, पूरे समुद्र के जल को हम इंक बना दे, स्याही बना दे, और पूरे धरती के वृक्षों को हम कलम बना दे, तो भी गुरु गुण लिखा नहीं जा सकता, तो भी वो पन्ना कम पड़ेगा, वो धरती का पेज कम पड़ेगा। तो गुरु की महत्ता इतनी है, गुरु की, हम लोगों के पीछे हम लोगों का बहुत सुंदर बैकग्राउंड है। सबके पीछे जब बैकग्राउंड सुंदर होता है ना, तो जीवन, वो व्यक्ति और निखर के दिखता है। अगर बैकग्राउंड सादा रहेगा तो व्यक्ति उतना सुंदर निखर के नहीं दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड जब सुंदर रहेगा, आप देखते हैं कभी सीनरी में देखते होंगे, घोड़ा चल रहा है, घोड़ा अगर सफ़ेद बैकग्राउंड रहेगा, पूरा कैनवस सफ़ेद रहेगा, और घोड़ा को खड़ा कर दीजिए तो वो बात नहीं आएगी। उसके घोड़े के साथ अगर हम घास लगा देंगे, चाहे वन के साथ वन की सीन लगा देंगे, तो बैकग्राउंड बहुत सुंदर होगा। तो हमारे जीवन में हमारे बैकग्राउंड हमारे ठाकुर जी हैं, जिससे हमारा जीवन निखरता है, हमारा जीवन सुंदर बनता है, और हम आप सुंदर दिखते हैं। ठाकुर जी तो हमारे और आपके बीच में हैं, नहीं कहाँ मैं बारबिल को जानती, कहाँ आप मुझे जानते, कोई किसी को नहीं जानता। लेकिन ठाकुर जी का बैकग्राउंड ऐसा है कि ठाकुर जी ने सबको एक ही मंच पे ला दिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बंगाली हो, चाहे उड़िया हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी जाति धर्म का है, सभी को ठाकुर जी ने एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया, एक मंच पे मंचासीन कर दिया। कितना सुंदर बैकग्राउंड दिया। अगर हमारे बैकग्राउंड में हमारे ठाकुर जी नहीं रहेंगे, तो हमारा बैकग्राउंड शून्य हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ना मुझे कोई पहचानेगा, ना आपको कोई पहचानेगा, हमारी और आपकी पहचान में ठाकुर जी हमारे बीच में। ठाकुर कहते, मुझे लोग कहते कि देवघर की बेटी है, बहुत धन्य किस्मत है, बहुत धन्य है आप, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। ठीक है, मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म वहाँ हुआ, कर्म बहुत दिन वहाँ हुआ, गुरु परिवार से जुड़ी रही, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। ठाकुर परिवार में तो बहुत लोग ठाकुर जी के वंशधर है, ठाकुर जी का ही खून दौड़ रहा है। इसको मैं, आप समझ ही रहे होंगे कि कई लोग ऐसे हैं जिनके ठाकुर जी का ही खून दौड़ रहा है, लेकिन उससे क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता है। गोद में मैं बैठी तो उससे कुछ नहीं होता है। मेरा कर्म जो है ठाकुर जी को लेके, मेरे चलने की जो भावना है, मेरे चलने का ढंग है, मेरा बोलने का ढंग है, मेरा बैठने का ढंग है, इसी से तब जाके आप बेशक उनके गोद में ना बैठे हो, बेशक ठाकुरबाड़ी में ना गए हो, वहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन आप अगर ठाकुर जी की चलन पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी जैसे चलने बोले हैं, तब आप बिल्कुल गुरु की गोद में। तो यही है, इसी को मैं मानती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी के वंशधर बहुत सारे हैं, लेकिन जो ठाकुर जी को लेके चल रहा है, ठाकुर जी के साथ चल रहा है, ठाकुर जी को की सबसे गुरु जो है, उनके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो वही आदमी जो है वो आगे बढ़ता है, वही आदमी के लाखों लाख करोड़ों करोड़ों उसको
फॉलोअर्स होते हैं, उसको मानने वाले होते हैं। वरना आप ठाकुर जी के, ठाकुर जी बोलते थे ना, एक बार विनोदानंद झा प्रिंसिपल थे देवघर कॉलेज के, तो वो बहुत गौर से, ठाकुर जी बैठे थे तो उसको बहुत गौर से देख रहे थे, तो सोच रहे थे कि ठाकुर जी के जो सेवक है इनका कितना अहोभाग्य है कि कोई ठाकुर जी की मक्खी उड़ा रहा है, कोई ठाकुर जी का पीख दान ले रहा है। तो ठाकुर जी उनकी भावना को, ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, हम लोग कहते हैं, लेकिन जब हमारी समय आता है तो हम ठाकुर जी में भक्ति खो बैठते हैं, विश्वास खो बैठते हैं। तो विनोदानंद जी की बातों को ठाकुर जी समझ गए, तो उन्होंने कहा मेरी शरीर पे लाखों मक्खियाँ रोज बैठती हैं, क्या ये सब स्वर्ग जाएंगी? सही बात है कि ठाकुर जी को मक्खी नहीं लग रही है, ठाकुर जी को मच्छर नहीं काट रहा है, मच्छर भी भगवान के ऊपर बैठ रहे हैं। तो मच्छर अपने कर्म फल से मच्छर बना, क्या ठाकुर जी पर बैठ गया तो क्या वो स्वर्ग चला जाएगा? ठाकुर जी का कहने का मतलब है तुम ये ना सोचो कि तुम दूर रहते हो तो तुम में भक्ति नहीं है, तुम दूर रहते हो तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी के शरीर में बहुत मक्खी मच्छर जंतु बहुत बैठते थे, वो अपने कर्मफल भोगी रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी कहते ऐसे चलो जैसे पृथ्वी और सूर्य कितने दूरी पे एक दूसरे से दूर है, लेकिन फिर भी सूर्य जो है पृथ्वी को लगातार अवलंबन करके चल रही है, पृथ्वी को लेके चल रही है, दूरी रह के भी उसका पृथ्वी से कनेक्शन नहीं टूटता है। इस तरह हम लोग को चलना है, अगर इस तरह हम चले तो हम ठाकुर जी की गोद में हैं, हम ठाकुर आश्रम में हैं, तो हम लोगों को ऐसे ही चलना है। दादा ऐसे ही चलने की बात कह रहे हैं, अभी वर्तमान आचार्य देव दिन रात लगे हैं, 24 घंटा लगे हैं, जब जाइएगा तो देखिएगा कि वो नॉन स्टॉप कितनी कम देर सोते हैं और कितनी कम देर अपने घर में जाते हैं। सुबह प्रार्थना में आते हैं, फिर नाम पाठ में आते हैं, नाम पाठ के बाद भी वो घंटों वहीं बैठे रहते हैं, फिर अपने 10:15 से अपने वहाँ बैठते हैं नाट मंडप पे, वहाँ 12:30-1 बजे तक बैठते हैं, फिर प्रार्थना, मतलब लगातार बैठे हैं और लगातार निवेदन हो रहा है और लगातार वो सबके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अब तो इतना सुंदर वातावरण हो गया है, बहुत सब लोग कहते थे कि पहले सुनाई नहीं देता है, समझ नहीं आता है, हिंदी बंगला में उलझे रहते थे, हम लोग ना बंगला हिंदी भाषी बंगला में उलझे रहते हैं कि हमके समझ में ही नहीं आता है। अब कुछ ऐसी बातें नहीं है, जो हिंदी बोलता है उसको आचार्य देव हिंदी में जवाब देते हैं, जो बांग्ला बोलता है बांग्ला में जवाब देते हैं, और रही सही बात सुनने की तो इस समय आचार्य देव 24 घंटा के जितनी देर नाट मंडप पे बैठते हैं उतनी देर माइक पे ही बोलते रहते हैं, और बाहर एक स्क्रीन भी लग गया है कि किसी को अंदर नहीं बैठने अगर मिल रहा है तो स्क्रीन पे आचार्य देव को देख सकता है। इतनी सुविधाएं हो गई है, अभी तो और सुविधाएं बढ़ती जा रही है। तो इसी क्रम में मैं जब बैठी थी तो एक माँ एक दादा आए, बोले दादा मेरा बेटा ना अभी हाल फिलहाल ही मर गया, ख़त्म हो गया, मैंने सब छोड़ दिया, ठाकुर जी को भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। दादा थोड़े गंभीर हुए, आचार्य देव बोले ठाकुर जी को छोड़ दिया, खाना छोड़ा क्या? तो उसने कहा नहीं। बीवी को छोड़ा क्या? नहीं। घर छोड़ा क्या? नहीं। यानी तुम गुरु को सबसे अंतिम में रखते हो और इसीलिए गुरु को छोड़, इसी गुरु को सबसे हम लोग प्रधान मानेंगे, प्रथम मानेंगे, तो हम गुरु को कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरु को वही छोड़ते हैं जो गुरु को काम चलाने की मशीन समझते हैं, बिल्कुल पीछे रखते हैं, मेरा काम हुआ तो गुरु है, नहीं काम हुआ तो गुरु को साइड में कर दिए। अगर आपका विश्वास गंभीर नहीं होगा तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, विश्वास के ऊपर ही ठाकुर जी भी चलते हैं। अभी आचार्य देव कह रहे थे एक आदमी ठाकुर जी की बहुत भक्ति करता था, ठाकुर जी के बहुत नज़दीक था, लेकिन उसको ठाकुर जी की परीक्षा लेने की आदत थी, रह रहे कि वो परीक्षा लेते थे और सोचते थे कि देखते हैं क्या होता है। इष्टवृत्ति तो वो रोज करते थे, लेकिन उनके दिमाग खुराफाती दिमाग में एक दिन एक बात आई कि आज देखते हैं इष्टवृत्ति का पैसा खा के देखते हैं। संशय, जब विश्वास नहीं संशय रहेगा तो आपके जीवन में वही चीज़ घटेगा, संशय ही घटेगा। अगर आप विश्वास रखेंगे ठाकुर जी को पकड़ के हमको कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा आचार्य देव बोल रहे थे। कह रहे थे कि वो आदमी सुबह इष्टवृत्ति करके देखा कि टेस्ट करते हैं ठाकुर जी को क्या होता है, क्या होता है, कुछ होता है कि नहीं मेरे जीवन में, दुर्घटना घटती है कि नहीं। बस शाम को उसी पैसे से, इष्टवृत्ति के पैसे से
वो चॉप खरीद के खा लिए। दूसरे दिन जब लैट्रिन जाते हैं तो देखते हैं कि लैट्रिन के बाहर से लगातार खून की धारा बह रही है। यानी उनके मन में ही संशय था कि श्रुति खाऊंगा तो ऐसे होगा, तो वैसा ही हुआ। जैसा आप संशय मन में पालेंगे वही आपके जीवन में फलेगा, फूलेगा। फलने फूलने के लिए क्या चाहिए? खाद चाहिए, पानी चाहिए। तो हम अविश्वास रूपी खाद डाल देते हैं, उसी में संचित कर देते हैं, तो हमारा उसी तरह से वही संशय में हमारा जीवन चलता है। अभी आचार्य देव के समक्ष मेरे जो बड़े भैया इलाहाबाद में रहते हैं, मैं डीपी वर्क के बारे में भी बताऊंगी जो यूपी और उत्तराखंड के मीटिंग में हुआ, लेकिन हमारा निर्देश है, हमको निर्देश मिला है कि ठाकुर जी की चर्चा करने के बाद ही हम लोग ना मातृ सम्मेलन में शुरू से ही बड़ी माँ की बातें शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ी माँ ठाकुर जी को ही लेके है, ठाकुर जी बड़ी माँ को लेके नहीं है। हमेशा बड़ी माँ भी यही चाहती थी कि ठाकुर जी को प्राथमिकता दे। आचार्य देवी हमेशा यही बात कहते कहते कि जब भी तुम लोग मातृ सम्मेलन का गाने का शुरुआत करो, कुछ भी करो, तो सबसे पहले ठाकुर जी की बात करो, ठाकुर जी का गान करो, उसके बाद तुम क्रमशः करते चलो, लेकिन ठाकुर जी को ही प्राथमिकता दो, चाहे मातृ सम्मेलन हो चाहे सत्संग हो। तो वही मेरे भैया बता रहे थे कि एक दिन वो जा रहे थे, अपने क्लिनिक से आ रहे थे, तो स्कूटी से आ रहे थे तो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, तो उसका जो मांझा होता है, जो तार का जो मांझा शीशे से मांझते हैं, तो प्लास्टिक का तार था, तो वो प्लास्टिक का तार आके भैया के गले में बहुत तेज से कस गया, तो उससे आपकी गर्दन भी कट सकती है, लेकिन जैसा विश्वास रखोगे वैसा ही फल पाओगे। तो अगाध विश्वास था उनके मन में, तो उनको एक ऐसी लाइन लग के ही रह गई। वही दादा इसी बात पे ये वाली कहानी सुना रहे थे, वो जो उसके लैट्रिन से खून निकलने लगा, वही बोले कि जैसा विश्वास रखोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा, इसलिए गंभीर विश्वास रखो तो सब कुछ संभव हो सकता है। तो जीवन में हम लोग ऐसा ही चलेंगे, हम लोग चाहेंगे कि झंझट तूफान जितना भी आए पर मन में रखना जोर। देखिए ठाकुर जी की वाणी है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसको करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और इसको विश्वास करना पड़ेगा। ठाकुर जी कहते हैं झंझट तूफान जितना भी आए मन में रखना जोर, माथे पे तेरे दयाल ठाकुर क्या चिंता तेरी हो। कितनी सुंदर बातें हैं। जब माथे पे हमारे दयाल ठाकुर है, हमारे बैकग्राउंड में हमारे ठाकुर जी है, हमारा बैकग्राउंड सादा नहीं है, हमारा बैकग्राउंड इतना रंगीन है, इतने सुंदर है, तो हम लोगों को डरने की क्या बात है। डरते हैं जब हम कुछ उनसे हट के गलत काम करते हैं, और गलत काम करने पर भी हम लोग विश्वास दृढ़ रखना पड़ेगा कि ठाकुर जी पर जब विश्वास रखेंगे कि ठाकुर जी हमको कुछ नहीं होने देंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हमारा जहाँ गला कटना है वहाँ एक लाइन खींच के रह जाएगी, इतना विश्वास रखेंगे तब जाके जीवन सुंदर होगा। लेकिन हम लोगों का विश्वास इतना गहरा नहीं है, हम लोग सबसे पहले विपद आता है तो सबसे पहले इष्ट वृत्ति छोड़ते हैं और बोलते हैं, वाणी बहुत बोलते हैं, आपद विपद जितना भी आए, ये हमेशा हम इस वाणी को बोलते हैं, आपद विपद जितना भी आए, इष्ट वृत्ति की वाणी बोलते हैं। विपक पते हाथ धोड़े जे चलर कायदा शिखे दाए, ताके जानिश गुरु बोले ताके धोले नय को भाई। विपक पथ पर जो हमको हाथ पकड़ के हमको रास्ता पार करा देता है वही हमारे गुरु होते हैं। लेकिन जब हमारा समय विश्वास का आता है तो भटक जाते हैं, भटक के कहाँ चले जाते हैं, इस गुरु के पास, इस टोना के पास, इस तांत्रिक के पास, तो क्या होता है, समय गवाया पथ खोजन को अनुष्ठान, हम लोग अनुष्ठान करने लगते हैं, हम लोग बकरा कटवाने लगते हैं, हम लोग मुर्गी कटवाने लगते हैं, हम लोग सब कटवा के सोचते हैं कि इससे हमारा जीवन, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बोलते हैं अनुष्ठान ही पाया हमने पथ गया चूल्हे भार, जिस अनुष्ठान को करते करते हमारा समय बीत जाता है, जब समय बीत गया 60 साल हो गया तो सत्संग करो स्वस्थ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, पैर से लंगड़े हो जाओगे देवघर तुम जा नहीं पाओगे, मुख से गूंगे हो जाओगे भजन तुम गा नहीं पाओगे, कान से बहरे हो जाओगे सत्संग तुम सुन नहीं पाओगे, तो बुढ़ापा किस काम का, बुढ़ापा से पहले ही हमको सत्संग करना है, भरी जवानी में स्वस्थ जवानी में ही हमको ठाकुर जी का आश्रय लेना है, सत्संग का आश्रय लेना है और अपने बच्चों को भी जोड़ना है।
सबसे पहले अपने बच्चों को जोड़ना है, नहीं तो आपका किया धरा कुछ नहीं रहेगा। आपका जो समय है वो बीत गया, अब बच्चों का समय है। इसीलिए हमको जाजन यजन याजन सबसे पहले घर में करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, हमारा बच्चा पूजा किया ही नहीं, हम पड़ोस में जाजन करने चले गए तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। हमारी बात अगर वो सुनेगा तो हमारा बैकग्राउंड जो सुंदर है, जो ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारा आचार व्यवहार बोली चलन, तुम्हारा याजन ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा जो व्यवहार बोल चलन है वही तुम्हारा जाजन का माध्यम है। वरना बोलने की बात बहुत है, ज्ञान देने की बात बहुत है। ज्ञान किसको देना है? अपने बच्चों को देना है, अपने घर परिवार को देना है, अपने पति को देना है। अपने पति को इष्ट के चरणों में समर्पित करके तो देखिए। अब मैं जो यूपी और उत्तराखंड की जो मीटिंग हुई थी 6 तारीख को, तो हम लोग भारी संख्या में, हमारी जो शांता वैद्य माँ है वाराणसी की, तो वो इस मीटिंग का पूरा देख रेख करती है और बाकी सब उनके आह्वान पे सब चलते हैं। तो इतनी संख्या में उनको क्या जरूरत थी कि इतनी संख्या में लोगों को जमा करने की? कौन जा रहा है नहीं जा रहा है, हम तो गए ना, हम तो ठाकुर जी की गोद में गए, हम आचार्य का सानिध्य किए, दूसरे से क्या लेना देना है? लेकिन ठाकुर जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, तुम दूसरे को देखो, रुपये का जतन करो या ना करो, लोगों का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। यानी तुम लोगों का जतन करते रहो, रुपये का जतन मत करो, रुपया तो अपने आप ही आएगा। तो ऐसा ही ये माहौल तैयार हुआ जो हम लोग यूपी और उत्तराखंड की जो माँ लोग भारी संख्या में, माँ लोग कानपुर से ही प्राय 70-80 की संख्या में हम लोग गए थे, पूरा उत्तर प्रदेश से 1000+ की संख्या में यूपी और उत्तराखंड की माँ लोग थी। और इतना सुंदर वहाँ रहने की व्यवस्था हुई, सब चीज़ इस समय इतना ज़्यादा नियम कानून बन गए हैं, वो ज़रूरी था क्योंकि बहुत परेशानियाँ हो रही थी। कोई भी चीज़ अगर सही मार्ग पर चलने से वो रास्ता बहुत आसान होता है। तो हम लोग अब इतना सुंदर ढंग से वहाँ का नियम बन गया है, बुकिंग कराइए, ऑनलाइन बुकिंग कराइए, आपको रूम मिल जाएगा। ना किसी की पहचान की ज़रूरत है, ना ज्ञान की ज़रूरत है, बस आप ठाकुर जी को पहचानिए, ठाकुर जी आपको पहचानेंगे, बस इतना विश्वास रखिए। और एक बात जो मेरे पिताजी कहते हैं अभी भी कि कहीं से भी आओ ठाकुर भोग जरूर लाना। मेरे पापा 90 साल की उम्र में अभी वहाँ सा प्रतिवृत्ति के देवघर में, तो वो जब हम लोग पहुँचते हैं तो हम लोगों से हालचाल नहीं लेते हैं, वो कहते ठाकुर भोग लाया। पहले हम लोग थोड़ा चलाकी करते थे, ठाकुर भोग वहीं से खरीद के देते थे, लेकिन वो कहते हैं जहाँ से आओगी वहीं से ठाकुर भोग लाओ, ताकि तुम्हारा ध्यान ठाकुर में लगा रहे। उस भोग के माध्यम से इस भोग को कहाँ रखना है, साफ जगह पे रखना है, ट्रेन पे भी अच्छे से रखना है। तो यही होता है नाम ध्यान। बैठ के बस नाम ध्यान करने से नाम ध्यान नहीं होता है, नाम ध्यान करने का बहुत तरह है हमारे जीवन में। भोग ले गए, भोग के प्रति हमारा ध्यान है, 8 घंटा ट्रेन में है, अरे इसको इधर इधर इसको मत छूइए, इधर इसको मत रखिए, भोग को अच्छे से रखना है। ये ध्यान रखते रहते हम कब देवघर पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो जब हम लोग बैठे, 8 बजे हम लोग की मीटिंग शुरू हुई, 9:30-10 बजे करीब आचार्य देव आए। इस बार सब लोग बाहर ही बैठे थे, उनके अंदर कोई नहीं बैठा था, क्योंकि इसमें व्यवस्था है, स्क्रीन लगा है, माइक है। और आचार्य देव आते ही वो तो धुआंधार बोलते हैं, बिल्कुल हिंदी में शुरू हो गए, वो बताने लग गए। और इसके पहले की ये घटना मैं तो भूल ही गई, हमारा उसी दिन 6 से 7 बजे से हम लोगों का डीपी वर्क की मीटिंग थी, जो अबीन बाबू के तत्वाधान में होना था। वो हम लोग फिलंथ्रॉफी के जो अबीन बाबू का जो ऑफिस है वहाँ हम लोग गए, बड़ा स्क्रीन लगा था और अबीन दा हम लोगों के लिए देखिए नाश्ता पानी की व्यवस्था किए थे, सब लोग नाश्ता पानी भी कराए। और वहाँ पर बताया गया, वहाँ पर जो हम लोग करते हैं ना डीपी वर्क, जाके दूसरे भगवान को उधर झूड़ी में रख दिए, टोकरी में रख दिए, ठाकुर जी को सजा दिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। वो यही बता रहे थे कि हम लोगों को उनको कन्विंस करना है, पहले वो हमको चाहे, हमको प्यार करे, तभी वो हमारी बातें सुनेगा। जब वो हमारी बातें सुनेगा ही नहीं, हमको प्यार ही नहीं करेगा, तो हमारी बातें क्या सुनेगा।
अच्छे से ठाकुर जी की बातें बोलना है, ठाकुर जी का अरे थोड़ा सा प्रार्थना कर ले आपके घर में, जब प्रार्थना करने जाएंगे तो आप आसन देख ही लेंगे, चाहे चले चलिए ठाकुर जी को हम प्रणाम करेंगे, ये नहीं कि आपका आसन हम देख रहे हैं यहाँ पर वहाँ पर। ये बताया जा रहा था अभी बाबू के ऑफिस में, वही बातें मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। वो कह रहे थे कि अरे ठाकुर प्रणाम करिए, इसी बहाने आसन देखिए और बताइए कि अरे इसको इन भगवान को और ठाकुर जी को क्या अलग रखने से ज़्यादा अच्छा होगा लगता है। तो इस तरह करके कन्विंस करिए। कई लोग जाते हैं एक टोकरी लेते हैं, दूसरे भगवान को उस टोकरी में भरते हैं और ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करके चले जाते हैं, फिर जब वापस दूसरे दिन आते हैं तो सारे भगवान फिर रहते हैं और ठाकुर जी टोकरी में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यही सब बातें हम लोग को सीखनी है, जाननी है। हम लोग ना बाहर जाके जो आचार्य देव बोले ये सब बातें ना करके अपनी तरफ से अपने हिसाब से करने लगते हैं। और वो कहने लगे कि अगर कोई इष्टवृत्ति दे रहा है एक दो बार बोलिए, अगर नहीं दे रहा है तो आप उसको इष्टवृत्ति के बारे में मत बोलिए उससे, बस लेकिन उससे मिलते रहिए, उससे हाल समाचार लेते रहिए, आप कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं, हर महीने उसे पूछते रहिए। ये नहीं कि आपने इष्टवृत्ति किया कि नहीं, इष्टवृत्ति किया कि नहीं, ऐसा करने से उसके मन में एक शंका जगती है कि ये पैसा चंदा तो नहीं है, ये पैसा ये तो नहीं खा लेगा, क्योंकि इष्टवृत्ति सब लोग नहीं जानते हैं। और नहीं जानते हैं कि इष्टवृत्ति इष्ट को ही देना, नहीं तो आएगी विपाक गंजना। ये भी नहीं जानते हैं कि इष्टवृत्ति सिर्फ इष्ट को ही देना है, ठाकुर जी के ही देना है। क्या करते हैं इष्टवृत्ति को, जी हमने तो साईं दरबार में दे दिया, जी हमने तो हनुमान जी के यहाँ दे दिया, ऐसा नहीं। बस ये समझाना चाहिए बातों बातों में, एकदम से जाके हम लोग को एकदम ज्ञान नहीं देना है। ठाकुर आचार्य देव कह रहे ठाकुर जी ने तो इतना किया, आपने क्या किया? ठाकुर जी आप बोलते हमेशा ठाकुर जी ये बोले ठाकुर जी वो बोले, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वो देखिए, आप ठाकुर जी को पकड़ के कैसे चल रहे हैं ये देखिए। हम लोगों को थोड़ा भी द्वंद्व होता है, थोड़ा भी किसी से झगड़ा होता है तो सबसे पहले हम लोग मंदिर छोड़ते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह बोलते हैं अभिन बाबू ने जो मीटिंग में रखा पूरा डिस्प्ले बोर्ड में बताए, और बहुत उसका एक प्रोसेस भी ईजी कर दिया है, अब ढूंढना आसान हो गया। लेकिन हाँ थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये कि हम लोग जैसे कानपुर में हैं तो कानपुर में हम लोग बहुत दूर 20-25 किलोमीटर दूर है, तो हम लोगों को यंग टीम तैयार करनी है। अभी आचार्य देव बोल भी रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों को दे दीजिए बाइक, दे दीजिए गाड़ी, दे दीजिए जाओ तुम लोग जाओ और ये एड्रेस पे जाओ और ये वो डाटा कलेक्ट करके लाओ। तो बच्चों को हम लोग छोड़ेंगे तभी बच्चे जाएंगे, नहीं तो हम लोग शंका में रहेंगे अरे छोटे बच्चे हैं गाड़ी से कैसे जाएंगे कैसे चलाएंगे। हालांकि वो बच्चे सब चला लेते हैं, लेकिन ये काम हम माँओं का ही है। यहाँ पर माँ का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम लोग कैसे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि डीपी वर्क ऐसा वर्क है जिससे ही हमारा कल्याण है। दीक्षा पत्र ही ऐसा वर्क है, ये पूर्व ठाकुर जी के समय में भी था लेकिन अभी इसका नाम दीक्षा पत्र हो गया। ठाकुर जी के भी समय में कई लोग इष्टवृत्ति छोड़ते थे, फिर ठाकुर जी उसको वापस लाते थे, बुलाते थे। इष्टवृत्ति दीक्षा पत्र तो यही है कि खोए हुए हमारे जो जीसस क्राइस्ट कहते थे कि खोए हुए हमारे जो शावक है कहाँ चले गए मेरे भक्तों, उसको ढूंढ के लाओ और तब मैं उस तुम लोगों को उत्कृष्ट इनाम दूंगा। तो बस वही ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि मेरे जो खोए हुए भक्त है यानी मेमना है यानी शावक है यानी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो खो गए हैं, इनको ढूंढ के लाओ, और इसको ढूंढ के लाओगे तो मैं सबसे ज़्यादा खुश तभी होऊंगा, और जब मैं खुश होऊंगा मेरी खुशी अगर मेरी खुशी में तुम खुश हो तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है बहुत लोग नहीं भी करते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन इसके महत्व को जानना पड़ेगा समझना पड़ेगा और ये हम ही को करना पड़ेगा, हम माँ लोगों को। तभी देखिएगा असीम जब ससीम होके सीमा में लेते स्थान, वृत्ति भेदी टान रहने पर देखोगे भगवान, तब भगवान को हमको देखने से कोई नहीं रोक सकता है। साक्षात खड़े रहेंगे, साक्षात हमारे सामने रहेंगे, बाकी आप चाहे उनके गोद में खेल लीजिए, चाहे उनके खून खून है जो भी है उससे कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ठाकुर जी ने बोला कि मेरे शरीर में 1000 मक्खियाँ बैठती है स्वर्ग जाएंगी, यही बात है। हम ठाकुर जी के कितने करीब हो, पीक दान पकड़े, चाहे उनको पानी दे, चाहे उनको हाथ दबाए, चाहे पैर दबाए, कुछ नहीं होने वाला है। उनके
कहे कार्य को अगर हम करेंगे, अपने बच्चों से करवाएंगे, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इसके लिए हम ठाकुर जी की अंतिम वाणी, यही जो मेरा समय समाप्त हो रहा, कहना चाहूँगी, तो इसके लिए हमको मनुष्य कमाना पड़ेगा। मनुष्य कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कमाने के लिए हमको हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, व्यवहार देकर व्यवहार खरीदो, विभव बढ़ावे शोभा। हृदय के बदले हृदय देना पड़ेगा, पैसा के बदले में किसी का दिल नहीं खरीद सकते हैं। प्यार ही वह मुद्रा है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। आइए उस प्यार रूपी मुद्रा को हम मार्केट में ले चलते हैं और दीक्षा पत्र के कार्य में खर्च करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा कार्य सुंदर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी की मंगल प्रार्थना करते हुए सभी को बहुत बहुत जय गुरु।